सीएस कर रहे हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ सीएस इन लाइफ? सीएस करने के बाद आउटसाइड इंडिया जाने का चांस मिलेगा क्या? स्कोप है सर सीएस का आउटसाइड इंडिया? अगर आप एक कंप्यूटर सेक्रेटरी हैं, आप यूके में कंप्यूटर सेक्रेटरी बनना चाहते हो, कुछ एग्जामिनेशंस आपको क्रैक करने हैं और आप इंडिया के साथ साथ यूके के भी सीएस बन जाओगे, तो ऐसा क्या करें कि भाई ये 8% वाला जो सिलेक्शन है इसमें आ जाए? जब भी हम पढ़ना शुरू करते हैं हमें ये पता होना चाहिए इम्पोर्टेंट क्या है, लेस इम्पोर्टेंट क्या है। जिस पेपर में सर मैं फेल होने से डर रही थी, उस पेपर में मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए। अब वो डिसिप्लिन या वो मोटिवेशन आपने अपने टाइम पे कैसे बनाया? हम अपने डे को प्लान करें, हम अपने मंथ को प्लान करें, हम अपने ईयर को प्लान करें, करियर ग्रोथ कैसे रहेगी, मतलब क्या करियर ग्रोथ है सीएस में? भारत देश के अंदर अगर सीएस के साथ एलएलबी कर दूं तो ये टॉप पर जाता है, इसके आगे फिर कुछ भी नहीं टिकता। हाय एवरीवन, मैं सीए कंचन गुप्ता आपके सामने आज एक स्पेशल पॉडकास्ट लेके आई हूँ। आज के इस पॉडकास्ट में हम सभी बच्चों के डाउट्स को लेने वाले हैं। सीएस से रिलेटेड आपके सामने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जिसको आपके साथ आज मैं दिव्य सर के साथ मिलकर डिस्कस करूंगी। सो यहाँ पर हमारे साथ हैं दिव्य सर, जिनका इस सेशन में ढेर सारा वेलकम है। हाय सर, हाउ आर यू? हेलो मैम, थैंक यू सो मच बुलाने के लिए, आपने बुलाया। इनफैक्ट बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इन बच्चों ने डाउट सेक्शन में नहीं तो यूट्यूब वीडियो पे, कभी क्लास में, मतलब ऐसा होता है ना, जहाँ जगह मिलती है कोई ना कोई क्वेश्चन है। बट ये जान के बहुत अच्छा लगा कि इनके पास क्वेश्चन है भाई, इससे पता चलता है तुम लोग समझदार हो गए हो, बड़े हो गए हो, है ना। थैंक यू सो मच मैम, आप कैसे हैं? सर बहुत अच्छी हूँ मैं, और मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आपके साथ हम सेशन प्लान कर रहे हैं, एक बहुत अच्छा सेशन जाए। होके सर स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों के, बिल्कुल तो लेना स्टार्ट करते हैं। सर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है बच्चों का कि सीएस कर रहे हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ सीएस इन लाइफ? सीएस का रोल क्या है? हाँ भाई, ये तो भाई बहुत बार होता है ना, जैसे मैम हम लोग पढ़ाते भी हैं तो बच्चा कहता है कि उसके पड़ोस में कोई आया और उसको कह रहा है सीएस माने कंप्यूटर साइंस, सीएस माने क्लैश ऑफ स्क्वाड। अरे अच्छा, कंप्यूटर साइंस कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो, कौन से कॉलेज से होती है, कितने साल की होती है, कहाँ से करते हो? तो वैसे अपन इस पे यूट्यूब शॉर्ट्स भी बनाते रहते हैं। खैर देखो बेटा, सीएस का मतलब कंप्यूटर साइंस नहीं है, इट मीन्स कंप्यूटर लिटरी। एक बंदा जो आपकी कंपनी पर लगने वाले भारत देश के अंदर 1250 के लगभग कानून है, 1250 एक्ट्स। अब अगर मैं इनकी बात करूं, एक कंपनी कोई काम कर रही है उसके ऊपर अगर 100 एक्ट लगते हैं तो आप कितने एक्ट्स को फुलफिल करोगे, कैसे करोगे? दैट इज व्हाट अ कंपनी सेक्रेटरी विल डू फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। और एक ऑर्गेनाइजेशन का, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारा मोदी जी का कहना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन, चाहे कंपनी छोटी है चाहे कंपनी बहुत बड़ी है, तो उसका कॉर्पोरेट कल्चर कैसा होगा जैसा वो कंपनी सेक्रेटरी डिसाइड करेगा। आपके यहाँ पर होने वाले चाहे फ्रॉड्स की विक्टिमाइजेशन हो, चाहे उसके बाद मैं कहूं किसी तरीके से सीएसआर हो, सेबी के लॉज हो, फेमा हो, टैक्सेशन हो, अकाउंट्स हो, अरे भैया हर जगह अपन हैं, हर जगह हम लोग हैं। और कानून को सिर्फ फॉलो नहीं करना, लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करना, ये भी एक कंप्यूटर सेक्रेटरी का ही रोल आता है। राइट, ग्रेट सर। एक और क्वेश्चन आता है बच्चों की साइड से कि सीएस कर रहे हैं, लेकिन सीएस करने के बाद आउटसाइड इंडिया जाने का चांस मिलेगा क्या? स्कोप है सर सीएस का आउटसाइड इंडिया? बहुत स्कोप है भाई, मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि डिजर्विंग कैंडिडेट के लिए तो बहुत स्कोप होता है। बट मैम वही है, देखिए अब क्या होता है, यूके में आपके पास स्कोप है, ऑस्ट्रेलिया में मैंने देखा लोगों को जाते हुए, दुबई में देखा जाते हुए। हमारे यहाँ पर जैसे कि बच्चों को ये ऑलरेडी पता होगा, नहीं पता तो भैया नई बात बता देता हूँ कि इंडिया में UGC आपकी डिग्री को रिकग्नाइज करता है इक्विवेलेंट टू मास्टर्स डिग्री। ऐसे ही अगर कोई भी बच्चा यूके जाता है तो वहां पर भी आपका सीएस एग्जीक्यूटिव इज इक्वल टू बैचलर्स डिग्री और आपकी सीएस की डिग्री इज इक्वल टू मास्टर्स डिग्री ऑफ यूनाइटेड किंगडम। ICSA की अगर मैं बात करूं, ICSA बच्चा ICSI ना समझ ले कहीं, उसके CISI लंदन की बात करूं तो बहुत सारी जगह तो इंस्टीट्यूट के टाई अप्स हैं। वहां पर ऐसा भी होता है, अगर आप एक कंप्यूटर सेक्रेटरी हैं, आप यूके में कंप्यूटर सेक्रेटरी बनना चाहते हो, कुछ एग्जामिनेशंस आपको क्रैक करने हैं और आप इंडिया के साथ साथ यूके के भी सीएस बन जाओगे, यूके में भी बच्चा जा पाए, यूके में भी बन सकते हैं। यस, चलो मैम एक क्वेश्चन फिर मैं भी पूछता हूँ, क्योंकि बच्चों देखो ऐसा बहुत बार होता है ना कि अपने पास तो क्वेश्चन है, हम तो बात करते ही रहते हैं, बट अब एक मैं यार मैम सीए है तो मैम से पूछते हैं। मैम देखो बहुत बार ये आता है ना कि सीए सीएस, बच्चा तो इसमें बड़ा इंटरेस्ट लेता है कि सीए वर्सेस सीएस, तो मैम आप क्या कहना चाहोगे? मतलब होता है ना कि कंप्यूटर सेक्रेटरी बेटर चलता है, सीए बेटर चलता है, आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? सर ये बच्चों के माइंड में एक बहुत बड़ा मिथ है कि सीए करें या सीएस। फर्स्टली मैं यही बोलूंगी कि एक बच्चे को ना अपनी
सोच समझनी चाहिए, अपनी चाहत समझनी चाहिए कि बच्चा क्या चाहता है। अगर बच्चे को लगता है कि मुझे प्रैक्टिकल चीज़ें पसंद हैं तो बच्चे को सीए करना चाहिए। अगर बच्चे को लगता है कि नहीं मुझे लॉ पसंद है, मुझे थ्योरी पढ़ना पसंद है, तो बच्चे को सीएस लाइन में जाना चाहिए। हालांकि दोनों ही बहुत अच्छी डिग्री हैं, दोनों का ही बहुत अच्छा स्कोप है, लेकिन सीए और सीएस में बस एक ही चीज़ का डिफरेंस है कि बच्चे को अगर फाइनेंस में आगे बढ़ना है, फ्यूचर में एमबीए करने का प्लान है, तो उस बच्चे को सर सीए टारगेट करना चाहिए। लेकिन बच्चे को लग रहा है कि लॉ लाइन में आगे जाना है, लॉ पसंद है, तो फिर बच्चे को सीएस को आगे कैरी करना चाहिए। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर एक बच्चा सीएस कर रहा है और साथ साथ सर अगर वो सीए भी करना चाहता है तो ये उसके लिए और आसान हो जाता है। मतलब सीएस के जो सब्जेक्ट्स है वो काफ़ी हद तक सीए से सिमिलर कर जाते हैं, तो बच्चा साथ में सीएस के साथ इजीली सीए मैनेज कर पाता है। ये तो मैम अब बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया भाई, कि नहीं मैम बता रही हैं कि अगर तुम लोग सीएस कर रहे हो, ये तो मेरे साथ बहुत सारे हैं जो अभी डरते रहते हैं दिसंबर के पेपर को देख के, है ना, देख रहे हो सीए साथ में कर रहे होते तो फायदा हो गया होता तुम्हारा। अरे यार कोई बात नहीं मैम, हम ही पॉडकास्ट देरी से लाए हैं, कोई बात नहीं, अब आते रहेंगे, बात करते रहेंगे, ठीक है। तो मैम एक चीज और बताओ, जैसे आपने बताया चीजें इजी हो जाएंगी, पर अभी तो इनके लिए चीजें बहुत डिफिकल्ट है। अभी हम लोगों ने देखा कि रिजल्ट आया 8%, है ना, ग्रुप वन में 8%, आपके और हमारे वाले में तो ग्रुप टू में तो 20% भी था, बच्चों की एग्जम्पशन भी थी। तो मेन चीज ये है, ऐसा ये लोग क्या करें, या ऐसा आप अपने टाइम पे जब आप सीए कर रहे थे आप, मतलब तब आपने ऐसा क्या किया, क्योंकि तब तो रिजल्ट ऐसे ही होता था और भी कम होता था, तो ऐसा क्या करें कि भाई ये 8% वाला जो सिलेक्शन है इसमें आ जाए, क्योंकि न्यू सिलेबस में रिजल्ट हमेशा से ही स्ट्रिक्ट रहता है। डरने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, सच बता रहा हूँ कि न्यू सिलेबस में रिजल्ट हमेशा थोड़ा सा टाइट रहता है एज कम्पेयर टू ओल्ड वाला, जहां तक मैंने देखा है। मैं गलत भी हो सकता हूँ इस बारे में, बट अभी मेन बात जानने की है कि 8% में कैसे आए। अगर हमारा रिजल्ट कम जाता है, सीएस का कम जाता है, सीए का कम जाता है, अभी सर ने कहा 8% गया है इस बार, सो रिजल्ट कम जाना एक अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि हमारे जो प्रोफेशन की वैल्यू है ना सर उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, डिजर्विंग कैंडिडेट उधर जाएगा, उसको अच्छा पैकेज मिलेगा। अगर कोई पर्सन 3 से 4 साल 5 साल सर पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, तो आप भी अग्री करोगे कि हम एक अच्छे पैकेज के लिए पढ़ाई करते हैं। बच्चा भी चाहता है कि उसको उसकी वैल्यू जितना मिले, उसको पे अच्छा मिले। तो जब हर कोई अगर पास हो जाएगा तो फिर सैलरी पैकेज उतना मिल ही नहीं पाएगा। सो जब कम परसेंटेज का रिजल्ट रहेगा, कहीं ना कहीं ये अच्छी चीज़ है कि बच्चों को यहाँ से एक डिजर्विंग चीज़ मिलेगी, साथ के साथ पे स्किल भी एक अच्छा मिलेगा। और दूसरी चीज़ मैं बोलूँगी कि सर कुछ बच्चे पास हो जाते हैं, कुछ नहीं पास हो पाते, तो जो बच्चा फेल हो जाता है उसके पीछे रीज़न क्या रहता है कि वो कभी भी ना स्ट्रैटेजी नहीं समझता, पास होने की क्या स्ट्रैटेजी है, टॉपर्स कैसे बनते हैं, AIR कैसे आता है। इतनी बार हम बच्चों को सर बोलते हैं क्लास में कि टॉपर्स को सुन लो, उन्होंने कुछ उखाड़ा है तो आप भी उखाड़ लोगे, लेकिन नहीं सुनना है। हमेशा मैं बोलती हूँ स्मार्ट पढ़ो, कभी भी फुल सिलेबस के चक्कर में मत पढ़ो, पहले वो चीज़ देखो जहाँ से ज़्यादा कवर होता है, फिर वो पढ़ो ना जो नहीं आता है, जो बिल्कुल डी कैटेगरी का टॉपिक है। तो कुछ स्ट्रैटेजी है जो फॉलो करनी है, और 8% में हमें भी आना है, और आना सर ईजी है क्योंकि सब आ रहे हैं, जिसको पास होना है वो सीएस बन रहा है, वो सीए बन रहा है, So, आप भी कर सकते हो, बस आपको एक सही स्ट्रेटजी और सही गाइडेंस की जरूरत है। सुन रहे हो, सही स्ट्रेटजी सही गाइडेंस लगा लोगे तो तुम्हारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। चलो मैम ठीक है, अभी सो फार ये समझ में आया कि ये लोग कुछ गलतियां कर रहे हैं। मतलब अगर कुछ बच्चा है, मैं कहता हूँ 100 स्टूडेंट्स हमारे पास है, जिसमें से 92 जो है वो क्रैक नहीं कर पा रहा 8%, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट सीएस एट होम। अब ये 92 बच्चा जो नहीं कर पा रहा, वो ऐसी क्या गलती कर रहा है भाई, ऐसी क्या मिस्टेक तुम लोग कर रहे हो कि भाई मेरा तो पेपर नहीं हो रहा सर, है ना, और दूसरे वाले का तो बिंदास एकदम नंबर आ रहे हैं, वो तो क्रैक भी कर गया, और उसकी उसकी मम्मी जो है रोज मिलती है बाजार में इसकी मम्मी को, और वो तो कहती है हमारा लड़का तो पास हो गया, आपके बच्चे का क्या हुआ, वो पेपर दे रहा है, पेपर दे रहा है। तो मैम क्या गलतियाँ ऐसी जो ये लोग कर रहे हैं और इन्हें नहीं करनी चाहिए? सर मेन चीज़ यही है कि बच्चा डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाता है। सबसे पहले वो अपने फ्रेंड से पूछता है कि कितना पढ़ लिया, तूने कितना पढ़ लिया, अच्छा तूने इतना पढ़ लिया, मैंने तो आज कुछ नहीं पढ़ा, चल मैं कल भी कुछ नहीं पढ़ता हूँ। तो बच्चा डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाता है। तो मैं यही बोलूँगी कि सर बच्चे को ना कभी भी बार बार अपने फ्रेंड से नहीं पूछना चाहिए कि तूने कितना पढ़ लिया, जस्ट फोकस ऑन योर टारगेट कि मुझे कितना पढ़ना है। दूसरी चीज़ सर मैं बच्चे को एक ये भी बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले एक टारगेट डिसाइड करो कि आज तुम पढ़ना कितने वाले हो। पता लगा तुमने सोच लिया कि पूरे दिन में 14 घंटे पढ़ना है, लेकिन पढ़ने की कैपेसिटी 6 घंटे की भी नहीं है, तो एटलीस्ट डिसाइड योर टारगेट देन स्टार्ट योर डे। पर वो ऐसा अलग क्या कर रहा है? दैट इज कंसिस्टेंसी और मैनेजमेंट। कि बेटा अगर उसने एक दिन छुट्टी करी है ना, तो अगले दिन वो डबल खा रहा है। आपने लंच नहीं करा तो डिनर अच्छे से करोगे ना,
तो when it comes to पढ़ाई, तो एक दिन पढ़ाई नहीं करी तो क्या करोगे अगले दिन? सर और नहीं करेंगे यार, अबे ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। डिसिप्लिन बनाना पड़ता है, जैसा मैम ने बनाया बताया, टारगेट बनाना पड़ता है, उस टारगेट को डेली अचीव करना पड़ता है, समझे? चलो अच्छा, एक और बात पे आगे बढ़ते हैं मैम थोड़ा सा। तो सर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि सब बच्चे बोलते हैं कि सीएस कर लो बहुत पैसा होगा, सीए कर लो बहुत पैसा मिलेगा, सर कुछ कहीं पे पेड़ वेड़ लगाए क्या जहाँ से पैसा टपकता है? मतलब क्या होता है एक्चुअल में सीए सीएस करके कितना पैसा मिलता है बच्चों को? देखो यार, मैं मैम शुरू से कहता हूँ कि स्कोप जो है वो कोर्स का नहीं है, स्कोप ना बंदे का है। हमने ऐसे भी कंपटीटरीज देखे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, और ऐसे भी देखे हैं मैम जिनके पास, अगर मैं कहूँ तो यार उन लोगों की एनुअल पैकेज 10 करोड़ पार कर रहा है, 12 करोड़ जा रहा है, 13 करोड़ जा रहा है। अब आप कहोगे कि सर ये तो कुछ है, अरे यार तो किसने मना किया आपको? आप लोगों को किसी ने मना किया क्या? नहीं, मेहनत सब करोगे सब आगे बढ़ोगे, सबको पैसे मिलेंगे। हम लोगों ने तब भी देखा है कि एक बच्चा स्ट्रगल कर रहा है नौकरी लेने के लिए, तो दूसरे बच्चे के पास क्या हो रहा है, इंस्टीट्यूट कैंपस प्लेसमेंट में आपको 18 लाख रुपए का स्टार्ट दिलवा रहा है। भी तो मैम फिर से वही बात हुई ना कि स्कोप कोर्स का नहीं बंदे का है। मैम देखो, आपने भी एग्जाम दिया, आप सीए बने, मैं कहता हूँ एक कॉमन क्वेश्चन लेते हैं, सीए बनो सीएस बनो, तो मैम उस टाइम पे आपको भी डर लगता होगा कि यार फेल हो गए तो है ना, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप उस डर को कैसे केटर करते थे? सर मैं एक बात आपको बताती हूँ, मेरी रियल लाइफ में भी हुआ, सीएस करते टाइम डर सबके साथ रहता है, चाहे आप सीए करो चाहे आप सीएस करो, कोर्स बहुत वाइड है, डर हमेशा रहेगा, बस पढ़ने का जो तरीका रहे वो आपका कंसिस्टेंसी वाला रहना चाहिए। जब भी हम पढ़ना शुरू करते हैं हमें ये पता होना चाहिए इम्पॉर्टेंट क्या है लेस इम्पॉर्टेंट क्या है। दूसरी चीज़ मैं अपनी रियल बात बताती हूँ आपको, जब मैं सर पढ़ाई कर रही थी तो मैं अपना सेकंड ग्रुप जब दे रही थी, मैं हमेशा एक एक ग्रुप करके देती थी, मेरा टारगेट होता था मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना है, तो मैं अपना सेकंड ग्रुप देने वाली थी, फर्स्ट ग्रुप का मेरा रिजल्ट आ गया था, टाइम बहुत कम था, तो इवन मेरी कोचिंग्स खत्म नहीं हुए थे, 2 मंथ बाद मेरा एग्जाम था, तो हमारे पास 4 सब्जेक्ट होते थे सर, तो मेरा कॉस्ट काफ़ी वीक था, मेरा बाकी सभी सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग था, मैं सोचती थी कॉस्ट मैं बाद में पढ़ूंगी, मैं उस सब्जेक्ट को पढ़ूंगी जो अभी तक मेरा बहुत वीक चल रहा है, क्योंकि बाकी के 3 पेपर मेरे बहुत अच्छे जा चुके हैं सर, मुझे पता है मैं पास हूँ 3 में, मेरा एग्जामिशन आएगा, लेकिन एक ऐसा पेपर है जिसमें मेरे को ये नहीं पता कि मेरा 40 भी आएगा कि नहीं। तो मैं सुबह उठती हूँ सर 5 बजे, 6 बजे मेरे घर पर कॉल आता है, उस दिन मेरी मासी का कॉल आता है सडनली, तो मेरी कज़िन की डेथ हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी से, और वो बिल्कुल एकदम यंग एज में होती हैं और वो मेडिकल की प्रिपरेशन कर रही हैं, तो घर का माहौल सडनली सर चेंज हो जाता है। जैसे तैसे मैंने 4-5 क्वेश्चंस थ्योरी के रिवाइज किए होंगे, बाकी जो मुझे आता था मैंने पढ़ लिया, मैंने बस जाते वक्त गाड़ी में मैं बैठी हुई थी, मैंने सर 2 थ्योरी क्वेश्चंस और देखे और मैंने अपना पूरा बंद किया, मैं पेपर देने चली गई। लिटरली सर मैंने जब पेपर दिया तो मुझे ये याद आ रहा था कि इसमें से बस भगवान ऐसा कर दो कि मैं पूरा पेपर विद इन टाइम अटेम्प्ट कर लूँ, मतलब पेपर पूरा वो था जो मुझे आता था। आई डोंट नो कि कैसे हुआ, बट मुझे उस टाइम एक आई पावर जो हम मानते हैं कि कुछ पावर होती है जो हमारे ऊपर काम करती है, मुझे वो पावर फील हुई। जिस पेपर में सर मैं फेल होने से डर रही थी, उस पेपर में मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए। मैं ये मानती हूँ कि कुछ तो पावर होती है, जब हम पूरी लगन से पढ़ाई करते हैं ना तो सब चीज हमारा साथ छोड़ दे, सिचुएशन भी हमारे कंट्रोल में ना हो, लेकिन हिडन पावर हमारे साथ जरूर होती है। कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं जिनको मतलब आप जिन पे काम कर सकते हो, कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं जिन मामले में मैम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। Exactly, कुछ नहीं जब एक्सटर्नल फैक्टर्स ही आपके कंट्रोल में नहीं है। अब ऐसा सिनेरियो जब आ जाएगा तो आप मैम दैट इज कम्प्लीटली बियॉन्ड योर कंट्रोल। एक पॉइंट और बोलना चाहूंगी, जैसे लेकिन जो मेरे पास पेपर से जस्ट पहले वाला 3 मंथ था उसमें मैंने 18 घंटे की पढ़ाई करी है, तो मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि पेपर में जो 2 क्वेश्चन आ गए वो मेरी किस्मत थी, लेकिन मेरे साथ वो पावर इसलिए थी क्योंकि मैंने उससे पहले 18 घंटे पढ़ाई की थी और मेरे 3 मंथ पूरे 18 घंटे की पढ़ाई में लगे हुए थे। क्या 18 घंटे में हमने करी है, तुम लोग भी कंसिस्टेंटली कर लोगे तो क्या होगा कि अगर छोटे मोटे अप्स एंड डाउन आते हैं तो वो हैंडल हो जाएंगे। आपने तो कॉमर्स में भी पढ़ाया है ना, तो कॉमर्स में से कितना बच्चा ऐसा है जो जब मैं सीएस की बात करता हूँ तो सीएस में कितने बच्चे कॉमर्स से आते हैं या कितने बच्चे नॉन कॉमर्स से आते हैं? सर सबसे पहले तो जो सीए और सीएस है वो हर किसी के लिए एंट्री खुली रहती है, आप जानते हो, चाहे कॉमर्स का बच्चा करे चाहे साइंस का करे चाहे आर्ट्स का करे, लेकिन फिर भी एक जो चीज़ जो हमें एनालिसिस करने के बाद अब तक में देखने को मिला वो ये है कि अराउंड सर 70-80% बच्चा कॉमर्स फील्ड का रहता है। Okay. लेकिन 20-30% बच्चा नॉन कॉमर्स फील्ड का भी रहता है। अच्छा जी,
एंड सर एक और अमेजिंग फैक्ट जो मुझे नजर आया ड्यूरिंग माय मेंटरशिप ड्यूरिंग माय स्टूडेंट करियर, जो बच्चा साइंस साइड से आ रहा है वो बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए क्रैक कर देता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चा सीएस क्रैक कर देता है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा ये जानता है कि मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, और जो बच्चा सर कॉमर्स फील्ड से आता है वो ओवर कॉन्फिडेंट रहता है, सोचता है मुझे तो सब आता ही है, चलो फाउंडेशन तो ऐसे ही दे देते हैं, सीएस ईटी तो ऐसे ही हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं सर मेजर एक डिफरेंस आ जाता है। नॉन सीएस नॉन कॉमर्स स्टूडेंट भी बहुत जल्दी एग्जाम क्रैक कर लेता है, बस एक कॉन्फिडेंट होना चाहिए सर, कॉन्फिडेंट होना चाहिए exactly. और हवा में नहीं उड़ना चाहिए। अगर क्रैक कराए हो सीएस ज्योरिटी, इट डज नॉट मीन कि एकदम हवा में आ जाओ, अरे ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे, हवा में नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा और कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं मैम, जैसे कि अगर बात करें तो ईजी किसके लिए है, अगर एक बच्चा कॉमर्स से आ रहा है जिसने इलेवेंथ में ऑलरेडी बिजनेस स्टडीज पढ़ा, अकाउंट पढ़ा, उसका बेस बेहतर है, या साइंस वाला बच्चा भी बराबर कोप अप कर सकता है, बेस से फर्क नहीं पड़ेगा? गुड सर, जैसे मैंने अभी आपको वही बोला, ऑब्वियसली कॉमर्स वाला बच्चा पढ़ के आ रहा है तो उसके लिए बहुत इजी हो जाता है, उसको उसने अकाउंट्स पढ़ रखा है, उसने मैथ साइंस वालों ने भी पढ़ रखा होता है, बट आर्ट्स वालों ने नहीं पढ़ रखा होता है, साथ के साथ बिजनेस स्टडी भी पढ़ रखा होता है, तो कॉमर्स वालों का बैकग्राउंड क्लियर होता है नो डाउट। लेकिन जो हमारा नॉन कॉमर्स बच्चा है वो भी उतनी ही डबल मेहनत डालता है, क्योंकि जो बच्चा ट्वेल्थ में पढ़ के आ रहा है बैकग्राउंड क्लियर है, लेकिन जो बच्चा नया पढ़ने बैठ रहा है उसको भी सर बिल्कुल जीरो से सीखने को मिल रहा है, तो वो भी पूरी लगन से सीखता है। दोनों के लिए ही वो इक्वल है, हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे पार्शियलिटी कर दें, नहीं इस बच्चे के लिए ईजी है ये जल्दी कर देगा, इसके लिए टफ है, ऐसा नहीं है सर। वो बच्चा भी अपना पूरा 100% देगा और जो बच्चा पढ़ के आया उसको भी 100% देना पड़ेगा। कि हार्ड वर्क विल बीट टैलेंट, इफ टैलेंट डजंट वर्क हार्ड, आपके पास नॉलेज है 11, 11th और 12th का बेस भी है मैम, वो बेटा काम नहीं करेगा अगर आप डेडिकेटेड नहीं हो, आप कंसिस्टेंट नहीं हो। सर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, काफी बच्चों का रहता है कि करियर ग्रोथ कैसे रहेगी, मतलब क्या करियर ग्रोथ है सीएस में? मैम करियर के ऊपर कोई बार नहीं है, पहली चीज तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि आप अगर एक बार कंपेटिटरी बन जाते हो तो मैं ये नहीं कहूंगा कि यार एक पे स्केल पे एक जगह पे जाके आप रुक जाओगे, ऐसा नहीं होगा। जैसे आपकी लर्निंग है, लर्निंग तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि भाई आपको कुछ सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, उस सिलेबस के आगे आपको नहीं पढ़ना, पर उसके बाद आती है फिर काम सीखने की बात, व्हेन इट कम्स टू योर वर्क एक्सपोजर, जिसके लिए बच्चा कहता भी रहता है कि ट्रेनिंग कब करें, ट्रेनिंग ये वो, इस बारे में भी बात करेंगे मौका मिलेगा। पर अब क्या हो रहा है, जितना आपको काम आता है, और इसी के अंदर एक चीज और बताता हूँ, बहुत पुरानी बात है ये, जब कंपनी जैक बच्चों 1956 चला करता था, क्या 5-12-32 फाइल करते थे बस, ये क्या है 5-12-32, अरे फॉर्म्स है कंपनी जैक के। तब एक जमाने में कंपनी सेक्रेटरी जो था वो कंपनी जैक तक रेस्ट्रिक्टेड रहता था। अब क्या हो रहा है कि अब एरियाज और ओपन हो रहे हैं, आप एक लिस्टेड कंपनी में जा रहे हो तो आप कंपनी जैक देख रहे हो, आप साथ में सेबी के लॉस देख रहे हो, आपको टैक्सेशन बढ़ाया जा रहा है, आप सेबी के हिसाब से रजिस्टर्ड वैल्यूअर हो, आप सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग करते हो, है ना, आप रिस्क मैनेजमेंट करते हो, रिस्क असेसमेंट करते हो, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए एडवाइजर हो, न जाने कितने एरियाज फेमा के एरियाज हो, चाहे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो, मैम न जाने कितने एरियाज ओपन है। और जितनी ज्यादा स्पेशलाइजेशन, जितनी ज्यादा अच्छी नॉलेज, जितना अच्छा वर्क एक्सपोजर, उसमें एक बेटा कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब आप अगर मुझसे बात करो और आप कहो कि सर बात तो ऐसी है कि हम लोगों ने, जैसे मैंने बताया भी मैम कि 10 करोड़ से ऊपर भी कंपनी सेक्रेटरीज हैं, और प्रैक्टिसिंग वालों के लिए अगर बोलूं तो मतलब मैंने उन लोगों को केसेस लड़ते हुए देखा है, और दे आर चार्जिंग गुड फीस, गुड फीस का मतलब 10-20-50 हज़ार रुपये नहीं है, दे आर चार्जिंग गुड फीस। अब इसके अंदर और क्या आ रहा है सर, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल तो हैं, बट फिर से ये डिपेंड करेगा नॉलेज पर, और ये सारी चीज़ें आपकी डिपेंड करेंगी कि आपको काम कितना आता है, जो कहीं ना कहीं पोस्ट करिकुलम आप सीखते हो। तो पहले डिग्री हाथ में है, उसके बाद जाके वर्क एक्सपोजर है, ये ध्यान रखना, काम आता है ठीक है, बट वो तब जब आप सीएस बन चुके हो। अगर बिना डिग्री के काम आने पे फिर वो बार लग जाती है, एक अपर कैप लग जाती है कि उसके बाद आगे तो भैया बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट अब क्या है, अगर डिग्री है अच्छे से काम आता है तो देर इज नो बार, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जितना मर्जी आप अपना प्रैक्टिस की टर्म्स में अपना वर्क एक्सपोजर बढ़ा सकते हो ठीक है। उसके अलावा जॉब में हो तो मतलब देर आर मल्टीपल थिंग्स मैम, मैंने लोगों को फाइनेंस में, कंपनी सेक्रेटरीज को फाइनेंस में काम करते हुए देखा है, और ऐसा देखा है हु आर एक्टिंग सीएफओस। मुझे अभी भी याद है बच्चों, जब हम पास हो जाते हैं, पास होने के बाद कुछ मेंबरशिप प्रोग्राम्स होते हैं,
उनमें कुछ लोग आए जिन्होंने बताया कि वो फाइनेंस हैंडल करते हैं यार. तो देर इज नो बार वेन इट कम्स टू एरियाज, पर आप भी रहे हो, काम कितना आता है ये तब देखा जाएगा. जितनी अच्छी नॉलेज उतना ही अच्छे से काम आप कर पाओगे. तो सर, एक बच्चे के लिए जो सीएस बन चुका है उसके लिए मेजर डेजिग्नेशंस क्या क्या रहते होंगे? मेजर डेजिग्नेशंस ये सारे ही, आप एडवाइजर हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए, एक बच्चों ने टर्म बहुत पढ़ी है कंपनी सेक्रेटरी, तो तुम पढ़ते ही हो भाई. कंप्लायंस ऑफिसर तो बहुतों ने सुना होगा, आई गेस कंप्लायंस ऑफिसर तो सबके यहाँ ही है. Exactly. ठीक है, इसके अलावा अगर हम चले भाई, ठीक है कोई बात नहीं, अब आपके पास सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में आप आ जाओ, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आप आ जाओ, है ना. आप बहुतों के लिए लीगल एडवाइजर हो जाते हो, आप बहुतों के लिए मैम, और भी जैसे जैसे एरियाज निकलते आएंगे. Right. अब एरिया वाइज एक्सपर्टीज हम लोग डेवलप कर लेते हैं फेमा के अंदर. Exactly. मतलब मैं अगर कुछ कहूँ, कुछ निश एरियाज भी हैं जहां पर कम लोगों को देखा गया. जैसे आप देखोगे अभी एक टर्म आई है जिसे कहते हैं बच्चों एसएमई आईपीओ. वो कौन हैंडल कर रहा है? कंप्यूटर सेक्रेटरी. आपके अलावा किसी के सिलेबस में दूर दूर तक मैम सीएस के अलावा कहीं भी डिपॉजिटरीज, एलओडीआर, ये सब नहीं पढ़ाया जा रहा है. एक पूरे का पूरा स्टॉक मार्केट कैसे काम कर रहा है, उसके अंदर के इंटरमीडियरीज की रेगुलेशंस क्या है, कोई नहीं पढ़ रहा है. करेक्ट, ये सिर्फ आपको पढ़ाया जा रहा है. और काफी मेजर मेजर पोजीशंस भी मिलते हैं, जैसे सीईओ हो गया कंपनी का, सीएफओ हो गया कंपनी का, केएमपीज हो गए, सीएसई तो होते हैं. केएमपी तो मैम ये वही हो गया ना कि अब मैंने कुछ एक्स्ट्रा बताया आपको, कंप्लायंस ऑफिसर कंप्यूटर सेक्रेटरी केएमपी, ये तो ये सुनते ही आ रहे हैं पता नहीं कितना टाइम. अच्छा, है ना. तो अब क्या हो रहा है कि फेमा के अंदर जाने के ऑप्शंस बहुत सारे हैं आपके पास, आईपीआर में जाने के ऑप्शंस आपके पास निकल कर आ जाते हैं. अब जैसे एक आप सब्जेक्ट पढ़ते हो बिजनेस को सेटअप कैसे करना है. बेटा देखो, अगर कोई भी इंसान जैसे मैकडॉनल्ड्स है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैकडॉनल्ड्स या सबवे जो बच्चों को बहुत पसंद ही रहता है, वो जब इंडिया में आया, इंडिया में आके यूनिट सेटअप हुई ना, ये इनबाउंड आउटबाउंड ट्रांजैक्शंस ये कैसे हो रही है, ये कैसे हो रही है, वो बिजनेस इंडिया में सेटअप कैसे हो रहा है, कौन है इसके पीछे? कंप्यूटर सेक्रेटरी. आपके साइन किए बिना वो फाइनेंशियल्स आरओसी के पास या मैं कहता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास फाइल नहीं होंगे. ये है एक कंप्यूटर सेक्रेटरी, जो जैसा बोलेगा वैसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को करना पड़ेगा. ये है कंप्यूटर सेक्रेटरी. तो मैम जब आप पढ़ते हो तो पढ़ते पढ़ते बहुत बार ऐसा भी लगता है ना कि यार क्या करें पढ़ाई का, बोर हो गए मैं. Exactly. है ना, एक बार पढ़ लिया, मैं इनको कहता हूँ तीन बार रिवाइज कर लो. कि एक बार मेरी वीडियो के साथ कर लो, एक बार खुद, एक बार मैराथन से, तीन से चार रिविजन आर वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू क्रैकिंग योर एग्जामिनेशन इन वन गो. अब यहाँ पे क्या होता है कि अब पढ़ते पढ़ते बहुत बार होता है कि बच्चा बोर हो गया, उन्होंने कहा नहीं यार अब तो मैं बोर हो गया. अब वो डिसिप्लिन या वो मोटिवेशन आपने अपने टाइम पे कैसे बनाया कि आपको लगा नहीं यार ये तो बना चाहिए, ये तो होना चाहिए, क्योंकि डेली पढ़ेंगे तो ही बात है, वरना तो फिर कोई मजा भी नहीं आएगा. तो सर मैं यही बच्चों को बोलूंगी कि पढ़ाई एक या दो दिन की बात नहीं होती, पढ़ाई एक लेंथीएस्ट प्रोसेस होता है जो कि लगभग 4 से 5 साल चलना है. अब आप सीएस कर रहे हो तो आपका 3-4 साल तक ये प्रोसेस चलेगा. मैं सीए कर रही थी, मेरा 5 साल तक ये प्रोसेस चला था. ये एक लेंथीएस्ट प्रोसेस होता है, हमें कभी ना इतना उतावला नहीं होना है कि यार आज ही पढ़ के हमें सीए बन जाना है. एक दिन में कोई सीए नहीं बन सकता, एक दिन में कोई सीएस नहीं बन सकता. सो बेटर है सर कि हम अपने डे को प्लान करें, हम अपने मंथ को प्लान करें, हम अपने ईयर को प्लान करें, हम डे के अंदर जो आर है उसको भी प्लान करें. मेरा हमेशा से रहता था, मैं 2 घंटे पढ़ती थी, 30 मिनट का ब्रेक लेती थी सर. तो मेरे लिए सर आधे घंटे का रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी होता था. और मैं बच्चों को भी बोलूँगी स्मार्ट स्टडी करो, गधों की तरह हम नहीं पढ़ाई करेंगे. हमें बढ़िया स्टडी करनी है, क्वालिटी स्टडी करनी है. 2 घंटे पढ़ो, 30 मिनट आराम से आप एक नैप लो, माइंड रिफ्रेश होगा. वापस से 2 घंटे पढ़ो, वापस से एक नैप लो, माइंड रिफ्रेश होगा. ऐसे करके पूरे दिन में आप 8 से 10 घंटे अपने आराम से निकाल सकते हो, सो भी सकते हो, माइंड भी रिफ्रेश होगा. और सर अगला दूसरा घंटा जो आता है ना वो बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाला होगा. हमें पता है ना कि 2 घंटे पढ़ना है फिर सोना ही है, तो ऐसे जो पढ़ाई करने का माहौल है बहुत इजी बन जाता है, टफ नहीं लगता. टाइम टेबल जो है वो क्या होना चाहिए? सर हम सुबह पढ़ें या हम रात को पढ़ें, क्या टाइम होना चाहिए? तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें. और तो मैंने इन लोगों को हमेशा कहा कि सबसे पहले अपना स्ट्रेंथ एरिया को पहचानना जरूरी है. अब वो जो स्ट्रेंथ एरिया है, वो स्ट्रेंथ एरिया क्या है? भाई मैम देखो, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं सुबह उठ के पढ़ने वालों में से हूं, कि मुझे ये बहुत बढ़िया लगेगा कि भाई मैं 4 बजे उठ जाऊं और मैं तब से लेके पढ़ाई करना शुरू करूं, और 12-1 बजे तक मुझे लगता था अपना आधा काम हो गया, भाई आधे से ज़्यादा ही हो गया, 70% हो गया. बट अभी के बच्चे जो हैं ये नाइट क्रॉलर्स हैं, ये सारे के सारे एकदम रात को जागते हैं और रात को पढ़ाई करते हैं. तो आप सब बच्चे अपनी नीड पहचानो,
आप सुबह उठ के अच्छा पढ़ पाते हो या रात को? आप कहीं से मोटिवेशनल ज्ञान लोगे, आप बोलोगे नहीं सुबह तो कौन सा मुहूर्त होता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है तो सुबह पढ़ना चाहिए, बट मैं इन सब चीज़ों को हद तक नहीं मान पाती। पर समझ आया, आप लोग उठ गए, पढ़ना शुरू किया, एक साइड ब्रह्म मुहूर्त भी चल रहा है, उधर से आपकी आँखें झपक रही हैं, तो आई थिंक सर उतना क्वालिटेटिव काम कंटेंट नहीं निकल पाएगा आप लोगों का। तो वो टाइम देखो जिस टाइम पे आप पढ़ पाओ, जिस टाइम पे आपकी आंखें खुल जाए, जिस टाइम पे आपका दिमाग खुल जाए, तो उस टाइम पे पढ़ना चाहिए। सुबह पढ़ो चाहे शाम को पढ़ो, लेकिन चार चार घंटे सुबह में पढ़ लो, चार रात में पढ़ लो, एक अच्छा खासा स्लॉट निकल आएगा आपका। सिलेबस चेंज कैसे हो जाता है यार? अभी हम लोग 2017 पढ़ रहे थे, अब 2022 आ गया, ये क्या हो गया एकदम से? हम पुराना पढ़ तो रहे थे, क्या प्रॉब्लम है, पुराना चलने दो। क्या कहना चाहेंगे मैम इस पे? सिर्फ सिलेबस चेंज होता है तो आई नो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जान की आपत्ति आ जाती है कि क्यों हो गया, नहीं होना चाहिए था। अभी रिसेंटली हुआ है तो बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ की टेंशन में आ गए। बट अगर ये ना हो तो सर ये सोचो कि हम कितने आउटडेटेड हो जाएंगे। हम जिस प्रोफेशन में हैं उसका काम ही अपडेशन का है, हमारा काम ही अपडेशन का है। हम लोग की इकोनॉमी अपडेट ना हो, इकोनॉमी में होने वाले लॉज अपडेट ना हो, आज भी हम पुराना लॉ लगाएं तो क्या आज वो एप्लीकेबल हो पाएगा? आज सर आज नया कंपनीज एक्ट 2013 हम सबके सामने, 1956 हमें ख़त्म करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट बदल गई, लोग बदल गए, काम करने का तरीका बदल गया। सर एक रिसेंटली एग्जांपल देती हूँ, अभी इनकम टैक्स एक्ट खत्म होने वाला है, बिल्कुल, और एक नया इनकम टैक्स कोड आने वाला है। क्यों चेंज हुआ? मैं पढ़ाती भी हूँ बच्चों को कि ऐसी ऐसी डिडक्शंस दे रखी हैं कि सर अगर आपका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो 100 रुपए की डिडक्शन, 300 रुपए की डिडक्शन। अब आज के टाइम में 100-300 रुपए क्या होता है? तो इतना मेजर चेंज आ जाता है हम लोगों की लाइफ में ड्यू टू इन्फ्लेशन, ड्यू टू कंडीशंस ऑफ द इकोनॉमी। तो इतना मेजर चेंज अगर हम उसके साथ मैचअप ना करेंगे तो हमारा जो एक्ट है वो एप्लीकेबल होना ही बंद हो जाएगा। तो उस मैचअप की वजह से अमेंडमेंट्स आते हैं जो कि हमारे लिए जरूरी है, हमारे प्रोफेशन की जान है, हमारी शान है। वही नहीं होगा तो हमारा प्रोफेशन बेकार है सर। ठीक इसी तरीके से जब आप अपडेटेड हो तो फिर क्या हो रहा है कि ना सर ऐसे ही लॉ भी अपडेट होता है। Exactly. और अगर हम अपना आज भी चीजों को अपडेट नहीं करेंगे, जैसे हम मैम बुक्स में भी बहुत बार चेंजेस देखते हैं कि हर बार इंस्टीट्यूट एक नया मॉड्यूल दे देता है और उस नए मॉड्यूल के अकॉर्डिंग आपको रेफर करना होता है चीजों को, तो वो बात बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठ रही है कि फोन में अपडेट आया आपने इंस्टॉल नहीं किया तो क्या होगा, एक दिन वो एप्लीकेशन माल फंक्शनिंग करना शुरू कर देगी और हो सकता है कि वो पूरे का पूरा आपके पास जो ज्ञान है वो ऑब्सोलीट हो जाए और ज्ञान होते हुए भी वो ज्ञान किसी यूज का ना रहे। एक बच्चे का कहना था कि सर AI आ गया या ChatGPT आ गया तो कंप्यूटर सेक्रेटरीज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? इसका मैं थोड़ा सा आंसर कर देता हूँ पहले, है ना? अब तुम लोग भी कहोगे क्या सर खुद ही क्वेश्चन पूछ रहे हो, खुद ही आंसर कर रहे हो। हाँ कोई बात नहीं यार। अच्छा तो अब होता क्या है, जब कंप्यूटर आया था ना तब भी ऐसा हुआ था, तब भी मैम सबको लगा यार कंप्यूटर आ गया अब तो हमारी नौकरियां गई, अब तो किसी की कोई जरूरत पड़ने ही नहीं वाली। आप लोग प्रोफेशनल्स हो भारत देश के अंदर, अगर CS के साथ LLB कर दूं तो ये टॉप पर जाता है, इसके आगे फिर कुछ भी नहीं टिकता, ठीक है? इससे बड़ा कोई भी प्रोफेशनल कोर्स नहीं बनेगा, क्वासी जुडिशियल बॉडी से लेकर आपके पास जुडिशियल बॉडी तक की पावर आ जाती है। जैसे कंप्यूटर आया तो सबको डर लगा, ChatGPT आएगा मैम तो सबको ही डर लगेगा। जब सबको डर लग रहा था तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने कंप्यूटर का इस्तेमाल कैसे किया, आपने उसको अपना सबऑर्डिनेट बना लिया। अब ठीक उसी तरीके से हम लोग ChatGPT को या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स को इस्तेमाल कर लेते हैं और मैम अपना सबऑर्डिनेट बना लेते हैं। कभी भी AI एक ह्यूमन के माइंड को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, ह्यूमन माइंड ने ही AI बनाया है और उसको अपने सबऑर्डिनेट ही अपने बराबर में बिठा के रखता है। ह्यूमंस को रिप्लेस कर दे कुछ ऐसा तो नहीं आया, ऐसा तो नहीं आया। हाँ ऐसा जरूर है, अगर आप सेम काम करते हो रोज और आप उसको इनोवेशन में नहीं ला रहे हो या आप कुछ क्रिएटिविटी नहीं दिखा रहे हो तो बेटा वो हर एक प्रोफेशन के लिए खतरा है, चाहे फिर आप कोई सी भी प्रोफेशन में। और हमारे यहाँ रोज सेम काम तो हो ही नहीं सकता, रोज कानून बदल रहा है, कोई नई कंपनी बन रही है मैम, कभी किसी का IPO आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है। Exactly. ये सब चीजें हो रही हैं। चलो बच्चा पार्टी, आई होप हम लोगों ने सब क्वेश्चंस का ऑलमोस्ट आंसर किया होगा। ऐसे ही मजेदार बने रहिए बहुत सारी चीजों के साथ, और भी हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच मैम, आप भी आए so मैं भी आया, बहुत सारी इनके क्वेश्चंस के जवाब दिए। हाँ और दोबारा आते रहेंगे और तुम लोगों को बताते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड एट CS वाला मैम। एग्जैक्टली एंड थैंक यू सो मच सर कि हमने बच्चों के सारे क्वेश्चंस के आंसर करे हों, जितने भी आप सब ने हमसे कमेंट्स में पूछे, जहां से भी पूछे, एंड होप वी आर एबल टू कंक्लूड द सेशन एंड आप सब के क्वेश्चंस को 100% कवर कर लिया हो। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एवरीवन।